हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्री टर्म्स थ्री वर्ड्स जिनकी मीनिंग थोड़ी सी सिमिलर होती है जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है द फर्स्ट इज होमोफोन्स सेकंड इज होमोनिम्स एंड द थर्ड इज होमोग्राफ्स होमोफोन्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिनकी साउंड सेम होती है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होती है फोन वर्ड का एक मीनिंग साउंड भी होता है और होमो मतलब एक जैसा सो होमो फोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड अलाइक दैट हैव द सेम प्रनाशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग फॉर एग्जांपल हैव अ लुक एट दीज टू वर्ड्स बोथ आर प्रोनाउंस डो बट द फर्स्ट वन मीन्स अ फीमेल डियर एंड द सेकेंड वन मीन्स पेस्ट ऑफ अ व्हीट फ्लावर पेस्ट मतलब जिसे हम कहते हैं आटा जिसे हम पानी में मिलाकर के सान के रखते हैं दैट इज कॉल्ड अ अ डो नाउ हियर वी गेट वर्ड फ्लावर फ्लावर मींस किसी भी जैसे कि गेहूं का अगर पीसा हुआ आटा है तो हम कहते हैं व्हीट फ्लावर अगर राइस को पीस करके आप उसका आटा बनाते हो दैट इज कॉल्ड राइस फ्लावर एंड एक फ्लावर तो हम सभी जानते हैं इसकी मीनिंग होती है फूल अनदर एग्जाम्पल इज फेयर वेन आई सी दिस वर्ड वेन आई प्रोनाउंस दिस वर्ड Two words, two spellings come to your mind. So, F A I R fair means होता है गोरा and F A R E fair means होता है भाड़ा जैसे टैक्सी fare, ट्रेन fare, बस fare. and अगर हम कहें you are fair complexioned तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा फेयर यूज हुआ एफ ए आई आर वाला कि तुम गोरे हो तुम्हारा कंप्लेक्शन फेयर है So, there are lots of words that can be put under the category of homophones. Now, here are some of them. Now comes the term of homonyms. Homonyms are the words that have the same sound, means that have the same pronunciation and same spelling, but meanings are quite different. For example, bank. बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे हम जाते हैं पैसे जमा करते हैं पैसे विद्रॉ करते हैं लोन लेते हैं और बैंक एक नदी का किनारा भी होता है द स्लोपिंग साइड ऑफ अ रिवर देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बैट बैट एक एनिमल का भी नाम है और एक क्रिकेटिंग बैट होता है जिससे क्रिकेट खेला जाता है तो so मीनिंग काफी डिफरेंट है बट स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंशियेशन भी सेम है अदर एग्जाम्पल कैन बी ईयर ईयर द बॉडी पार्ट ईयर एंड इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ सीरियल प्लांट एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी ग्राउंड एक ग्राउंड जिसका मतलब होता है ज़मीन और एक ग्राउंड जो ग्राइंड वर्ब का पासटेंस होता है तो ग्राइंड मीन्स पीसना किसी चीज़ को क्रश कर देना तो so, उसी का पासटेंस भी होता है ग्राउंड देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स कैन भी श्रिम्प श्रिम्प एक छोटा सा शेलफिश का, का भी नाम है और एक वेरी स्मॉल पर्सन को भी श्रिम्प बोला जाता है अगेन यहाँ पे दोनों वर्ड्स के मीनिंग काफ़ी डिफरेंट है तो ये होमोनिम्स हो गए लेकिन इसी से मिलता जुलता एक चीज़ होता है पॉलीसेमी होमोनिम्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनकी मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होती है लेकिन पॉलीसेमी में क्या होता है कि वर्ड्स के प्रोनाशिएशन सेम होती है वर्ड्स की स्पेलिंग भी सेम होती है और मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस नहीं होता है जैसे अ चाइल्ड्स माउथ एंड द माउथ ऑफ अ रिवर तो लगभग मीनिंग सेम है बस क्या है कि वो माउथ के मीनिंग को हम फिगरेटिवली एक्सटेंड कर रहे हैं कह सकते हैं कि मेटाफर को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो ऐसे केस में हम कहते हैं डेट इट इज पॉलीसेमी मीन्स जब वर्ड्स की मीनिंग काफी डिफरेंट नहीं होती है पॉलीसेमी का एक और एग्जाम्पल होता है सर्व टू अप फूड मीन्स आपने किसी को प्लेट में कुछ खाना रख के सर्व कर दिया और एक और मीनिंग होती है टू वेट अपॉन अ पर्सन एट अ टेबल मतलब ज, जैसे जो वेटर का काम होता है कि वो खड़ा है वो आप जो मांगोगे वो आपको देगा सो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द मीनिंग द नेक्स्ट इज होमोग्राफ्स होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाशिएशन एंड ऑफकोर्स डिफरेंट मीनिंग फॉर एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ इज दिस वर्ड दिस कैन बी प्रोनाउंसड एज वुंड जो इंजुरी होती है चोट लग जाती है घाव हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोनाउंसड

शायद इस वीडियो में तो फ्रेंड्स और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स लॉट वंस अगेन